क्या हुआ है, अभी वहाँ इंडियन गार्डन था और यहाँ चाइनीज़ गार्डन है, और यहाँ फ़ोटोज़ ले रहे हैं तीन गर्ल्स मेरे पीछे, तो हमको थोड़ा ऑकवर्ड करना है उनको, क्योंकि एक घंटा हो गया है ऑलमोस्ट उनके फ़ोटोज़ चल रहे हैं। तो अभी हम यहाँ से निकल के हंटर वैली गार्डन जाने वाले हैं, हाँ। तो वहाँ जाके आपको बताते हैं। वो एरिया का नाम है पोकलबिन, वहाँ पे बहुत सारे वाइन यार्ड्स है, वाइनरीज है और वाइन टेस्टिंग का भी वहाँ पे होता है, तो वो गार्डन्स भी है वहाँ पे। अभी स्प्रिंग चालू है तो बहुत सारे फूल होंगे वहाँ पे, तो वहाँ जा रहे हैं हम। ये देखो, ये जो आप देख रहे हैं ये सब ग्रेप्स के पेड़ हैं, छोटे छोटे वाइनर, इससे वाइन बनती है। तो ये दोनों बाजू है, पूरा खेती है इधर। ये देखो हंटर वैली गार्डन एंटर कर रहे हैं। तो अभी हमने एंट्री किया है और ये उसका मैप है, और अभी यहाँ $32 ईच एंट्री है, तो दोनों का मिला के $64 हुआ है। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है मुझे तो लगा ऐसा पर्सनली। और यहाँ से एंट्री है ये मेरे बैक साइड में। अभी देखते हैं, $32 तो दिया है और अभी देखते हैं अंदर क्या है। अभी तक तो कुछ मजा नहीं आया मेरे हिसाब से, नहीं लेकिन ये रात को लाइट का है, ये सब रात भर रुकेंगे अभी लगता है। शिल्पा भी रात भर रुकेंगे, लेकिन ये सब झगड़ा करने है तुमको, तुमको झगड़ा करने है। वो देखो हां, वो बताते हैं। अभी तो रात को आओगे तो कैसा अच्छा लगेगा, वो तो है रात में मजा आएगा। गिफ्ट्स रखे मेरे लिए, हां ये छोटे छोटे गिफ्ट्स रखे मेरे लिए। ये इंडियन गार्डन है, ये देखो महाराजा रखा है वहाँ। ओहो महाराजा, इंडियन गार्डन ही नाम है उसका, वो सेक्शन का। उनको मालूम है इंडियन लोग भी आने वाले इधर। और ये देख रहे हो आप, ये कुछ तो प्लेन बनाया है छोटा सा, और ये सेक्शन आप देख रहे हैं ये महाराजा गार्डन का है, और ये महारानी बैठी है सामने। ये एंट्री है यहाँ से, वाह अंदर महाराजा गार्डन के अंदर सेंटा क्यों कर रहे हैं, अंदर महाराजा गार्डन के अंदर सेंटा बैठे हैं, सेंटा जी पृथ्वीराज चौहान बैठना चाहिए था इधर। ये ना कुछ भी नाम दे दिया है इंडियन गार्डन, वो मैप पे लिखा है ऐसा, लेकिन इंडियन गार्डन जैसा कुछ लग रहा नहीं इधर। हाँ गार्डन अच्छा है लेकिन इंडियन थीम नहीं है इसमें ज्यादा। और इनका पर्सनल फोटोग्राफर बन चुका हूँ मैं कुछ देर के लिए। कौन सा गार्डन? चाइनीज गार्डन, ये सेक्शन को चाइनीज गार्डन बोलते हैं। अच्छा चाइनीज गार्डन में आ चुके हैं हम अभी। एफर्ट ले लेके फोटोज ले रहे हैं। ऐसे एक कुछ हर्ब जैसा वास है इसमें। मतलब अपना ये मेथी जैसी आई वास बोली। यहाँ देखो, यहाँ पे बहुत सारे। नहीं अभी तो क्या हुआ है, अभी वहाँ इंडियन गार्डन था और यहाँ चाइनीज गार्डन है, और यहाँ फोटोज ले रहे हैं तीन गर्ल्स मेरे पीछे, तो हमको थोड़ा ऑकवर्ड करना है उनको, क्योंकि एक घंटा हो गया है ऑलमोस्ट उनके फोटोज चल रहे हैं, तो वहाँ जाके हम खड़े हो जाने का। ये ट्रिक आप भी यूज़ कर सकते हो, तो ये ट्रिक बहुत लिमिटेड लोगों के लिए रहती है, तो वहाँ जाके आप रुक सकते हो ऐसा। आ जाओ कोई टेंशन नहीं लेने का। देखो हाँ आपको एक जादू बताता हूँ, ये देखो वो उनके लैंग्वेज में बड़बड़ रहे हैं, हम हमारे, कोई टेंशन नहीं लेने का। देखा ये ट्रिक बहुत अच्छी थी, छोटी सी ट्रिक है लेकिन आप यूज़ कर सकते हो, ये रिकमेंड है। वो चले गए अभी,
ये एकदम क्लियर जगह मिल गई हमको। अभी हम यहाँ आए हैं, ये छोटे बच्चों के लिए राइड्स है इधर। ये स्टोरी बुक गार्डन है और यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी स्टोरी बुक्स होती है, उनके हिसाब से वो गार्डन तैयार किया है, तो उनके छोटे छोटे कैरेक्टर्स भी उन्होंने यहाँ पे लगाए हैं। Stairs and downstairs in his nightgown, rapping at the window, crying through the lock. Are the children all in bed? But now it's 8 o'clock. ये देखो छोटा बच्चा poem बोल रहा है। हमारे time एक ही थी, मछली जल की रानी है, उसका जीवन पानी है। हाथ लगाए तो डर जाती है, पानी में जाए तो मर जाती है। नहीं, पानी में जाए तो मर जाती है। और ये पोएम ना मेरे दिमाग के बाहर की है। Jackin Jill went up the hill to fetch a bowl of water. Jack fell down and broke his crown, and Jill kept tumbling after. ये देखो उसकी स्टोरी। आपको बता दूं, यहाँ इतना सारे जो बच्चों के लिए स्टोरी बुक बनाया है ना स्टोरी, तो उसमें बस एक ही पोएम मेरी जान पहचान के लिए, बाबा ब्लैक शिप। आज मैंने देखा है कि हाँ हम भी थोड़े बहुत जानकार हैं इसमें। अपने क्या बोलते हैं? झूला। एक झूला नहीं है ये। हाँ, ये बिग बिल का हमने टिकट लिया है और बैठेंगे अभी। बताइए टिकट। हाँ, ये कुछ अच्छा लगा मुझे, $5 का बेटर है। ऊंचाई से ना हमको सब 100 गार्डन दिखेंगे। बहुत टाइम बाद बैठ रहा हूँ मैं। हमारे यहाँ क्या बोलते पता नहीं, यहाँ कुछ तो बिग व्हील बोलते हैं और क्या बोलते हैं, मेरी गो राउंड। फाइनली बहुत टाइम बाद बैठ रहा हूँ अंदर में। अभी थोड़ा सा डर लग रहा है। बहुत टाइम बाद बैठा हूँ, थोड़ा सा डर लग रहा है और बचपन याद आ गया मुझे अभी बैठ के। थैंक यू। कैसा लग रहा है शिल्पा? मैं सेकंड टाइम बैठा हूँ, इंडिया में बैठा था एक बार, उसके बाद कभी नहीं। मैं एक्चुअली ना कहाँ, सिंगापुर के बिग बिल में बैठी थी शायद। अच्छा, मैं बैठा था हमारा एम्यूजमेंट पार्क नॉर्मली। अभी चलो स्टार्ट। अच्छा लग रहा है और अच्छा क्या लग रहा है बताओ, कि यहाँ सेफ्टी डोर दिया है उन्होंने कि कोई जम ना मारे, अपनी जान बचा के चलिए। डर लग रहा है थोड़ा सा भाई साहब। ए, मैं सामने बैठू क्या? बैठो थोड़ा सा बैठो। माफ कर दो, चल पागल तो लग रहा है तुमको। रिव्यू दो। मेरे को तो डर लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन आई एम ओके। ठीक है, मेरे को डर लग रहा है। ये देखो नीचे, मुझको कब से ज्यादा डर लगा मालूम, क्योंकि नीचे से ऊपर आ रहा था, मैं ब्लॉक कर रहा था, समझा नहीं। अभी मालूम पड़ रहा है कि मैं भाई लैंड करा दे। हां, वो देखो गार्डन दिख रहा है सब कुछ। अभी हम आसमान की ऊंचाइयों पे, चारों तरफ कोहरा कोहरा। वो देखा तुमने वीडियो, लैंड करा दे, 500 एक्स्ट्रा ले ले, 500 ज्यादा ले ले, लेकिन मुझे लैंड करा दे। दिख नहीं रहे ये जो आप दिख रहे हैं क्या, ये ऐसा ऐसा दिख रहा है आपको छोटे छोटे, ये अंगूर के झाड़ है। अंगूर के, हाँ, यहाँ से वाइन बनती है। आपको वाइन टेस्ट करना है तो वो भी कराते है वो। हम जाएंगे ना अभी इसके पास, क्योंकि वाइनरी किसको समझेगा नहीं, लेकिन आपको आपका भाई अच्छे से समझाएगा एक्सप्लेन करके, क्योंकि हॉट टॉपिक है ये। तो फाइनली हमने पूरा गार्डन देख लिया है,
फोटोज भी ले लिए और यहाँ से हमको वाइन टेस्ट करने के लिए जाना है। उससे पहले हाँ ये कर लो पहले, हमको लंच करना है जो हम लेके आए हैं। तो हम अभी एक्चुअली हमारी गलती हो गई, हम यहाँ हमारे लंच का बैग लेके आ सकते, यहाँ लंच कर सकते थे, लेकिन नहीं किया, भूल गई मैं। चलो कोई नहीं, तो अभी बाहर जाके कहीं पे तो रुक के लंच करेंगे, उसके बाद वाइन टेस्टिंग। ओके बोलो, ओ भाई साहब इसे क्या बोलो, बबीता तुमको बोल दूंगा कौन है बबीता, बबीता मालूम तुमको? बोलो हाँ बोलो। अरे बबीता कौन? बबीता वो तारक मेहता की उल्टा चश्मा, वो नहीं पता। बोलो बोलो हाँ बोलो बोलो। ओ भाई साहब इसे क्या कुछ भी करवा। ये देखो बग्गी, बग्गी राइड। अभी हम बाहर आए हैं जस्ट निकल के गार्डन से, और ये हमने घर से कुछ लाया है लंच करने के लिए, और यहाँ जगह ढूंढ रहे हैं हम। शेड है ना, शेड मिल गया ना, ये मिल गया सामने शेड। खुलते हैं, अभी हम इधर आ गए हैं और ये अपना पिटारा खोलने वाली है। तुम अभी बहुत हैरान होने वाले, क्या क्या लिखा है इसमें देखना है मुझे अभी। ये चिप्स, टिश्यूज, प्लेट, क्या बनाना क्या है? सैंडविचेस। सैंडविचेस ओके, लास्ट टाइम अपने व्लॉग में देखा होगा हमने, ये टाइम डिजर्ट भी लेके आए। ओके लड्डू घर पे बनाए हुए, कुछ खाने के बाद ये बहुत हेल्दी है, प्रोटीन इसमें। मखाना आपको पता होगा कि नहीं पता नहीं मुझे, ये मखाना का लड्डू है, हाई प्रोटीन डाइट। और मैंने वो ड्रिंक भी लाया है, तुम्हारा फ्रूटी भी लाया है, चाहिए तो ये देखो इंडियन फ्रूटी। और ये भी लाया है कोकोनट वाटर। और यहाँ अभी कलाकारी बताएंगी, शिल्पा का कैफे चालू होता है अब। अभी सैंडविच बन गया है, जल्दी खाते हैं। अभी लंच हो गया है, अभी जा रहे हैं वाइन टेस्ट करने के लिए, देखते हैं अभी किधर है। मजा आ गई, ये तो ठंडी है, ठंडी नहीं लग रही हो। तो फाइनली हमने वाइन टेस्ट कर दिया है ये वाइन हाउस में जाके, और हमको पीना कुछ नहीं था, टेस्ट भी नहीं करना था, थोड़ा थोड़ा करना था, लेकिन हमको बहुत ज़्यादा पसंद आ गई एक वाइन। ये कितने साल पुरानी है? 10 साल पुरानी। 10 साल पुरानी वाइन है, कभी वाइन पिया नहीं मैंने, लेकिन बहुत अच्छा लगा तो हमने ले लिया। बताओ इसका बॉटल, ये बॉटल बहुत अच्छी लगी मुझे, ये देखो एक मिनट, ये देखो बहुत सेक्सी बॉटल है, और वाइन का टेस्ट तो अमेजिंग। हाँ तो मिलते हैं आपको, तो ये था मेरा आज का वीडियो, तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो ये था मेरा आज का वीडियो। इसने लेकिन 10 साल पुरानी 20 साल पुरानी कम नहीं रहता है, ज्यादा रहता है। और फिर आप भी बताइए कि हमारा आज का वीडियो कैसा लगा, गोकुल फार्म से लेके, जो गोकुल फार्म हम पहले गए थे वहां से लेके, हंटर वैली गार्डन से लेके अब तक का आपका वीडियो, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है बताइए। और चरण के ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, सो दैट नए वीडियो अपलोड जैसे होंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा उसका। सीख गई है ना? हाँ ना, मैं भी सीख गया हूँ, बहुत टाइम से ब्लॉग कर रहे हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है, वाइन से नहीं खुद से। तो चलो, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, और मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, चार्ली साइनिंग आउट। और एक बात मैं बताना चाहूंगी जाते जाते कि दिस इज नॉट ड्रिंक एंड ड्राइविंग, क्योंकि इतना सा टेस्ट किया है ना, इतना सा तो ड्रिंक एंड ड्राइविंग हो नहीं रहा है यहाँ पे, और मैं उसको फॉर भी नहीं करूंगी, कभी भी नहीं करूंगी, क्योंकि आई नो द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट। सो ट्राई, मतलब थोड़ा थोड़ा जो भी ट्राई करते, लेकिन हमने इसलिए लिया है साथ में क्योंकि हम घर जाके ट्राई कर सके।
घर जाके ले सके, ले सके एग्जैक्टली। तो चलो मिलते, बाय बाय। ये देखो ये से पेड़ होते अंगूर के, यहाँ से बनती है वाइन। ये देखो कितना बड़ा पेड़ है, खेती है पूरी। ये था मेरा आज का वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।